नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा जीएन भारत में आप लगातार देख रहे हैं, हर दिन हर पल पूजा सिंघल मामले और ईडी और सीबीआई जो रेड मार रही है झारखंड में नजर गड़ा, बाज की नजर बना के रखी है ईडी झारखंड में, उसकी पल पल की जानकारी आपको जीएन भारत सबसे पहले जीएन भारत आप तक पहुंचा रहा है। पूजा सिंघल में जैसे हमने आपको बताया था, होटवार जेल जाकर बताया था कि होटवार जेल में वो बंद है, 8 जून तक वो बंद रहेगी। इसके बाद अब निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा के सांसद है बीजेपी के, वो लगातार बम फोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। अब हाल में उन्होंने जो ट्वीट किया है वो फिर से झारखंड के सियासी गलियारे में भूचाल मचाने के लिए काफ़ी है। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है जनता को कि विशाल चौधरी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, साथ ही प्रेम प्रकाश, स्पेशली विशाल चौधरी के मोबाइल से 210 GB का डेटा मिला है, साथ ही 60 फिल्म कैसेट मिले हैं। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, और इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया था, इस जानकारी में ये कहा जा रहा है, ये जो सीडी की जो कैसेटें कही जा रही है, एक्चुअली ये फिल्म की कैसेट कही जा रही है, और वो असली जो कैसेट है वो किसी और का नहीं बल्कि झारखंड के बड़े बड़े IAS मंत्री शंत्री दिग्गज जो बिजनेस टाइकून्स है वो इस फिल्म में शामिल है। जी हाँ, इसीलिए निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि अगर ये फिल्म जनता के सामने आ गई तो अच्छे अच्छे मंत्री और अच्छे अच्छे IAS शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सारे IAS बड़े बड़े पदाधिकारी को रुमाल से मुंह ढक कर अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा, छिपना पड़ेगा। ये है उस कैसेट का राज। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि उस कैसेट में क्या होगा और क्या नहीं। इसीलिए झारखंड में IAS ऑफिसर्स भी है वो डरे हुए हैं। हमारी जीएन भारत के जो सूत्र है उससे ये खबर मिल रही है कि IAS ऑफिसर का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आलम पूजा सिंघल और विशाल चौधरी प्रेम प्रकाश के पकड़ाने के बाद आलम ये हो गया है कि उस व्हाट्सएप चैट में अभी तक हाय तक मैसेज नहीं कर रहे हैं अधिकारी। उनको डर है कि कहीं व्हाट्सएप चलाएंगे तो कहीं हम पकड़े ना जाए। जैसा हमने आपको प्रेम प्रकाश के बारे में, विशाल चौधरी से तो पूछताछ हो रही है, जो भी अपडेट होंगे उनके मोबाइल चैट्स खंगाले जा रहे हैं, और भी बिजनेस टाइकून के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रेम प्रकाश की अभी जो अपडेट हमें मिल रही है वो ये है कि प्रेम प्रकाश सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो लड़की सप्लाई करता था बड़े बड़े पदाधिकारियों को। जी हाँ, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि रात में रंगीन पार्टियाँ चलती थी, इसके साथ ही विदेश से बहुत अहम गिफ्ट्स पदाधिकारी को दिए जाते थे, IAS के उनके पैर छूते थे, सलाम छूते थे, इसलिए क्योंकि कभी भी कोई IAS को अगर पोस्टिंग करवाना हो सबसे पहले वो प्रेम प्रकाश के घर में जाके माथा टेकते थे। आप ये समझिए कि प्रेम प्रकाश का घर एक मंदिर था जहाँ पर माथा टेको तो प्रसाद के रूप में लड़की, पैसा, शराब, कबाब मिल जाएगा। और पूजा सिंघल का हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि मैडम को गद्दा मुहैया कराया गया है होटवार जेल में। ऐसे आम कैदी तो है नहीं मैडम, बहुत हाईफाई IAS ऑफिसर है, उनको ये तो आराम करने की आदत है, इसलिए गद्दा लिया गया। साथ ही कैंटीन से खरीद के वो दाल रोटी खा रही है और कैंटीन वालों पर भड़क गई। जैसा हमने कल बताया था कि IAS की गर्मी जा नहीं रही, आज भी यही हुआ, जैसे कैंटीन का दाल आया वो भड़क गई कि इतनी पतली दाल कहाँ होती है, यानी मैडम को दाल सब्जी सब चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, आगे चल के और भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन रात भर उनका रोते हुए गुजर रहा है। जी हाँ, पत्नी बच्चे के याद में वो लगातार आंसू बहाए जा रही, लेकिन पूजा मैडम अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये चिड़िया सारा खेत चुक चुकी है और आपके पास वो खड़ा फूट चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से विशाल चौधरी, प्रेम प्रकाश, नीतीश केसरी के बाद और क्या नए नए खुलासे होते हैं। फिलहाल संथाल टीम पहुंची हुई है, ईडी वहां भी खंगाल रही है, आगे क्या अपडेट होता है पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। पूजा सिंघल का पहला अपडेट सिर्फ जीएन भारत में। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।